क्रिकेट प्रेमियों पर चढ़ेगा भारत पाक मैच का ऐसा फीवर कि हजारों फैंस को होना पड़ेगा अस्पतालों में एडमिट। ये वर्ल्ड कप फैंस को बीमार कर देगा। स्टेडियम से सीधे अस्पतालों में पहुंचेंगे क्रिकेट फैंस। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को टक्कर होनी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा और इसी दिन भारत पाकिस्तान क्रिकेट फैंस काफी संख्या में बीमार होने वाले हैं और उन्हें ऐसी बीमारी लगेगी कि उन्हें इसके लिए अस्पतालों में एडमिट होना भी पड़ सकता है। जी चौंकिए मत, ऐसा ही कुछ सच में होने वाला है। भारत पाक क्रिकेट फीवर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन इस फीवर के चलते फैंस को अस्पतालों में एडमिट होना पड़े, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन इस साल के वनडे वर्ल्ड कप में 15 अक्टूबर को खेले जाने वाले मुकाबले में कुछ ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे, तो चलिए आपको बिना किसी लाग लपेट के पूरा माजरा समझाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आईसीसी या एसीसी के इवेंट में ही मुकाबले होते हैं। 2012 के बाद से दोनों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही है, इस वजह से इन महामुकाबलों का इंतजार रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच के लिए फैंस अभी से होटल रूम बुक कर रहे हैं। अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होटल रूम के रेट आसमान छू रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद में होटल के कमरों की कीमतें 15 अक्टूबर को 20 गुना से अधिक बढ़ गई है, जिसकी कीमत 59,000 रुपए से अधिक हो गई है। अहमदाबाद में आईटीसी के वेलकम होटल के मैच के दिन की रेट 72,000 रुपए पर कमरे हैं। मैच के दिन शहर के कई बड़े होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। हालांकि क्रिकेट फैंस ने इसका जुगाड़ निकाल लिया है, उन्होंने अहमदाबाद के अस्पताल में बेड बुक करना शुरू कर दिया है। शहर के एक अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर पारस शाह ने बताया कि लोग रूम के पैसे बचाने के लिए अस्पताल में फुल बॉडी चेकअप के लिए रात भर का कमरा बुक कर रहे हैं। भाजपा मैच देखने के लिए फैंस डिलक्स से लेकर स्वीट तक किसी भी कमरे में रहने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सीमित कमरे हैं, इसलिए वे एनआरआई से अग्रिम बुकिंग स्वीकार करने में सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता मरीजों की देखभाल है और वो इन मरीजों से कमरा छीनना नहीं चाहते हैं जिन्हें इनकी जरूरत है। यही स्थिति कई दूसरे अस्पतालों की भी है, यानी कि फैंस भारत पाकिस्तान मुकाबला देखने के लिए अस्पतालों में रात गुजारने को भी तैयार हैं। आपको बता दें कि विश्व कप 2023 का पहला मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। यहाँ कुल 5 मैच खेले जाने हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के साथ साथ फाइनल भी यही खेला जाएगा। इस बार विश्व कप का फाइनल मैच 19 नवम्बर को खेला जाना है।